तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर की, जो कि मैंने एक शॉप से परचेज किया है। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है सिंपली एंड लाउड एंड क्लियर हैवी वेट के साथ ये स्पीकर आता है। इसमें आपको FM रेडियो, TF कार्ड, USB टाइप 2A केबल जिसमें कि आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, वायरलेस ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑक्स के साथ भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बॉक्स साइड में आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं, जो कि मैं आपको सिंपल में समझा दूंगा। ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको 5 कलर में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर और स्काई ब्लू कलर में देखने को मिलता है। और बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है, तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है और बॉक्स में हमें एक केबल देखने को मिलती है। केबल यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो USB से टाइप ए केबल और ऑक्स के साथ आपको देखने को मिलती है। तो इस ब्लूटूथ स्पीकर के डिजाइन की बात करें तो ये पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ है एंड काफी हैवी वेट है। स्पीकर की वजह से इसका वेट काफी हैवी हो गया है। तो आइए इसके बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिल जाता है, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाने का बटन, उसके बाद यहाँ पे मीडिया मतलब म्यूजिक वगैरह लगाने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप चेंज कर सकते हो FM हो गया, USB, जैसे कि आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो तो ये सब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम डाउन करने का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड साइड में आप इसकी RGB लाइट को कंट्रोल कर सकते हो इस बटन की हेल्प से। उसके बाद इसमें कुछ पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले TF कार्ड का पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव का पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ से आप इस पोर्ट से अपने इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हो। इस ब्लूटूथ स्पीकर की राइट साइड में आपको स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। इससे बेस आपको देखने को मिलेगा और राइट साइड में भी एक स्पीकर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप बीच में देख सकते हो कि इसके दो स्पीकर हैं और राइट एंड लेफ्ट साइड में भी एक एक स्पीकर है, मतलब इसमें टोटल 4 स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ से आप इस बटन से इस स्पीकर को ऑन कर सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये एक बार चार्ज होने पे 5 घंटे लगातार चलता है एंड इसकी चार्जिंग स्पीड की बात करें तो ये 1-2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। तो मैं इस स्पीकर का यूज काफी दिनों से कर रहा हूं। अगर आप भी स्पीकर को परचेज करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। मैं भले इसको ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जोर से कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।